चैनल टेक चिनी। तो चले फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दो डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। एक तो रहेगा एलजी का एक डिवाइस एंड दूसरा रहेगा ओप्पो का डिवाइस। अगर हम पहले एलजी के डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं तो ये डिवाइस का नाम है एलजी G8 थिंकक्यू। बेसिकली ये डिवाइस एलजी G7 थिंकक्यू का सक्सेसर स्मार्टफोन है एंड ये जल्दी ही ऑफिशियली अनवील होने वाला है 24 फरवरी को, जब भी MWC 2019 का इवेंट हेल्ड किया जाएगा बार्सिलोना में। ये डिवाइस को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चली है कि बिगेस्ट बैटरी इन एलजी जी सीरीज, इसके साथ साथ ये चिपसेट को लेकर भी बातें पता चली है एंड उसके अलावा विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि क्या ये एलजी का फर्स्ट 5G स्मार्टफोन रहेगा, तो हम डेफिनेटली वो आगे डिस्कस करते हैं। उसके अलावा जो हम ओप्पो के डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं वो डिवाइस का नाम है ओप्पो K1। तो ये के सीरीज का फर्स्ट एवर स्मार्टफोन है जो आफ्टर मंथ्स ऑफ वेट फाइनली अभी इंडिया में लॉन्च हो चुका है। अब ये कब से एक्चुअली सेल के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं, आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे जब इसको खरीदने वाले हैं, वो डेफिनेटली हम आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स एंड ये सब आगे बढ़ने से पहले इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं LG G8 ThinkQ के बारे में। तो फिलहाल ये स्मार्टफोन को कोड नेम दिया गया है अल्फा एंड यस, उसके अलावा एज आई सेड कि ये स्मार्टफोन क्या फर्स्ट एवर LG का 5G स्मार्टफोन हो सकता है, तो फ्रेंड्स ऐसा होने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं बिकॉज ये स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट होने वाला है। येस एंड दिस चिपसेट एनीवेज एनेबल्स द 5G सपोर्ट फीचर, तो अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली LG का फर्स्ट एवर 5G स्मार्टफोन है। अब हम बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो एज आई सेड कि ये LG G सीरीज़ का स्मार्टफोन है, इसमें लार्जेस्ट बैटरी दिया गया है एंड क्या है ये स्मार्टफोन का बैटरी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3400 mAh की बैटरी। तो येस आई नो आई अंडरस्टैंड कि एकदम लार्जेस्ट बैटरी वाव बैटरी नहीं है, बट अगर आप G सीरीज़ कंपेयर करो इन दैट केस उसका प्रीसीडर स्मार्टफोन को देखो जो कि है LG G7 थिंकक्यू, वहाँ पे सिर्फ 3000 mAh की बैटरी मिली थी। तो ऑफकोर्स उससे आप कंपेयर करो तो येस यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी बैटरी मिलती है। एंड दूसरे क्या फीचर्स रहेंगे, तो ऑफकोर्स ये स्मार्टफोन में अपने प्रीसीडर स्मार्टफोन LG G7 थिंकक्यू से बड़ा स्क्रीन मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली 6.2 inches या 6.3 inches का। नॉच को लेकर तो क्लैरिटी नहीं है बट यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 9 Pie भी मिलेगा एंड ऑफकोर्स फेस अनलॉक फंक्शनलिटी भी रहेगा। एंड उसके अलावा फ्रेंड्स LG G8 थिंकक्यू को लेकर पहले भी थोड़े बहुत टीजर्स मार्केट में आ चुके हैं जहाँ पे फीचर में क्लियरली हिंट किया गया था बिग फीचर के लिए, तो ऑफकोर्स बैटरी तो आ ही गया। उसके अलावा जो टीजर था उसमें काफी सारे जेस्टर्स मूवमेंट को टीज किया था कि यहाँ पे पूरा जो फंक्शनिंग है वो टचलेस हो जाएगा, तो अगर आप हैंड वेव करो तो अपवर्ड फ्लिक होता है, ऐसे थोड़े बहुत जेस्टर्स दिखाए गए थे। हालांकि अगर ये जेस्टर्स को हम देखें तो डेफिनेटली हम लोग ने ऐसे जेस्टर्स सैमसंग के पहले वाले स्मार्टफोन्स में देख चुके हैं, तो लेट्स सी अभी LG और नया इनोवेटिव क्या करता है अपने ये डिवाइस के साथ। तो येस LG का ये डिवाइस LG G8 थिंकक्यू वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, 24 फरवरी MWC इवेंट में अनवील हो जाएगा। तो टिल देन डेफिनेटली हम वेट करेंगे एंड उसके लिए ऑफकोर्स मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। बट अब सबसे जूसी पार्ट, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं, वो है ओप्पो K1 के बारे में। फाइनली आफ्टर मंथ्स ऑफ वेट ये स्मार्टफोन इंडिया में ऑफिशियल हो चुका है, जहाँ पे ये स्मार्टफोन एक मिड रेंज स्मार्टफोन है, आपको 6.4 inches का स्क्रीन मिलता है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट मिलता है विच इज़ वेरी गुड। ऑफकोर्स यहाँ पे अगर OS की बात करें तो एंड्रॉइड ओरियो 8.1 का वर्जन ही है, बट इट इज़ एनी टाइम अपग्रेडेबल टू एंड्रॉइड 9 Pie। डुअल कैमराज है विच इज़ ऑल्सो डूइंग अ फैब जॉब, जो कि है 16 MP प्लस 2 MP का कॉम्बिनेशन इन द रेयर पैनल। ये स्मार्टफोन का फ्रंट पैक कैमरा ऑफकोर्स सुपर्ब है जो कि है 25 MP का। एंड इसके अलावा वेट ये स्मार्टफोन में वाटर ड्रॉप नॉच तो है ही, बट येस ये स्मार्टफोन स्टैंड आउट क्यों होता है, बिकॉज एक मिड रेंज स्मार्टफोन है एंड ये स्मार्टफोन में आपको इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर की टेक्नोलॉजी दी गई है, तो फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, तो ऑन एंड होल डेफिनेटली स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड येस हाउ कैन वी फॉरगेट बैटरी, तो अगर हम लोग ओप्पो K1 की बैटरी के बारे में भी बात करें तो यहाँ पे आपको 3600 mAh की बैटरी मिलने वाली है, दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग। एंड येस येस ये स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले भी रहेगा, तो ऑन एंड होल इट इज़ अ वेरी 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 गुड पैकेज ओप्पो के एंड से। काफ़ी लोग को वेट भी था कि कब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है, तो फ्रेंड्स येस ऑफिशियल हो गया अभी स्मार्टफोन एंड कब से सेल के लिए अवेलेबल रहेगा,
ये स्मार्टफोन 12 फरवरी से अवेलेबल रहेगा एक्सक्लूसिवली वाया फ्लिपकार्ट। एंड यस, अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो इसका प्राइस है 16,990 विच इज अलमोस्ट 17,000। हालांकि ऑफकोर्स यहाँ पे इंट्रोडक्टरी ऑफर्स तो रहेंगे, अगर आप फ्लिपकार्ट से बाय कर रहे हो तो आपको नो ईएमआई, आपको जीरो ईएमआई पे ये स्मार्टफोन खरीद सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास सिटी बैंक का कार्ड है तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा विच आइदर ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। पीएस और भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स रहेंगे, तो डेफिनेटली अगर आपका बजट है 15,000 to 20,000 के बीच में तो आप ये ओप्पो का स्मार्टफोन डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो में इतना ही एलजी के डिवाइस के बारे में, ओप्पो के डिवाइस के बारे में। अगर आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल थिंक जिनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।